से बड़े नक्सली हमले के बाद नक्सल नेता गदर ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार ऑपरेशन ग्रीन हंट बंद नहीं करती तब तक उनकी बंदूकें भी खामोश नहीं होंगी। गदर के मुताबिक सरकार नक्सल समस्या को ताकत के जोर पर दबाना चाहती है लेकिन तरीके की कीमतों से चुकानी पड़ेगी। गदर भाई अब उन्हीं से बातचीत करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आज के जो घटना हुई है उस पर उनकी उनका एक्सप्रेशन क्या है। गदर भाई इतनी बड़ी संख्या में मौत क्या कहना चाहेंगे? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है हम वार डिक्लेयर कर रहे हैं। अरे अपने देश के ऊपर अपने गरीबों के ऊपर कोई बोल सकता है कि हम वार? तो वहीं पर दो चिदंबरम का जो स्टेटमेंट है जो लड़ने की तरीका है वहीं पर फेल्यूर है। क्यों बोले तो जो ग्रीन हंट वहां पर माओइस्ट लोगों को खत्म करने का बोल के बोलते हैं, नो दे वेंट टू वैनगार्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ माइनिंग माफिया। आपको क्या लगता है कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है? क्या ये शुरुआत ही है सरकार को चेताने के लिए या और भी आगे इस तरह के हो सकते है? मैं सीधा बोल रहा हूं भाई के जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉप ग्रीन हंटिंग वो लोगों का मसला है रोटी खाना कपड़ा का उसके इनिशिएट करो। दी नक्सलाइट मूवमेंट इट इज नॉट दी वायलेंट मूवमेंट इट इज सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट है। तो सोशियो इकोनॉमिकल एंगल से हैंडल करने से ही नक्सलबरी मूवमेंट के बारे में शांति आएगा। एक आपने इस मूवमेंट पे गीत भी लिखा सुजलाम सुफलाम इसी देश में, क्या मैसेज देना चाहते हैं उस गीत से? मैं सब भारत के भाइयों को सबको इस तरह की जो किलिंग फ्रॉम द बोथ साइड आई एम अगेंस्ट नो मोर किलिंग फ्रॉम बोथ साइड लेकिन मैं बोलना चाहता हूं भारत अपनी महान भूमि है यहां पर रोटी का क्यों कमी है? भारत अपनी महान भूमि इसकी कहानी सुनो रे भाई सर पे कड़ा है बड़ा हिमालय नदियां बहती गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र गोदावरी कृष्णा कधान जंगल पहाड़ अपनी हरी भरी अपनी धरती में निकले मोती उगले सोना सुजलाम सुफलाम इसी देश में रोटी महंगाई क्यों रे भाई रोटी महंगाई क्यों रे भाई। सरकार के लिए क्या इंडिकेशन है छत्तीसगढ़ का आज का इंसिडेंट? सरकार तुरंत समझना है जिस जंगल के ऊपर आपकी जुल्म रेपिंग होना मर्डर करना सालवा जुल्म करना कई सालों से अभी लोग लड़ रहे हैं। बोले कि 1000 लोग है माओइस्ट कहां रहते हैं 1000 लोग माओइस्ट 4-5 लोग होंगे। नाउ द पीपल स्वार द पीपल इन देमसेल्फ स्टार्टेड फाइटिंग विथ योर आर्मी एंड सरकार इमीडिएटली सोचना है ये कोई माओइस्ट लोग लड़ रहे नहीं लोग लड़ने को तैयार हो गए तो पीस टॉक्स तुरंत स्टार्ट करना चाहिए। तो ये थे गदर साहब जिनका कहना था कि सरकार की नीतियां ही गलत है और जब तक सरकार खुले दिल से शांति वार्ताएं शुरू नहीं करती तब तक इस पूरे मसले का हल नहीं हो सकता। कैमरामैन नरेंद्र चारी के साथ श्रीवत्सन हैदराबाद न्यूज 24।